सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा दसवीं मैथमेटिक्स का आठवां चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी वाले स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर एक को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर एक में बोला गया है कि 1/√3 बराबर क्या होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया टेन 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया गया है कॉस 45 डिग्री, और आपका ऑप्शन सी में दिया गया है कॉस 30 डिग्री, और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है टेन 30 डिग्री। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर एक का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर दो में बोला गया है कि 1/√3 किसका मान होता है। एक चीज़ तो क्लियर है कि 1/√3 जो होता है वह दोस्तों टेन 30 डिग्री का मान होता है या होता है कॉट 60 डिग्री का मान। तो पहला ऑप्शन में तो साइन दिया गया है, तो साइन वाला में तो होगा नहीं, और कॉस वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी या सी सही जवाब हो सकता है। तो यदि ऑप्शन सी को सॉल्व कीजिएगा ना, तो चलिए हम लोग ऑप्शन सी को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दिया गया है टेन पाई बाई सिक्स। तो आप सभी को बता दें कि त्रिकोणमिति में टेन पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री बैठाया जाता है, बटा सिक्स कर लीजिएगा, इसे कटा दीजिएगा तो ये 30 मरतबे कट जाएंगे, यानी 3 × 6 = 18, 30 का 6 बार पढ़ने पे हमें 180 की प्राप्ति होती है। यानी यहाँ पे आ गया है टेन 30 डिग्री। और आप सभी को बता दें टेन 30 डिग्री का मान ही होता है 1/√3। तो 1/√3 किसके बराबर होगा, तो टेन पाई बाई सिक्स के बराबर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन तीन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के मान के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन को देखिए तो साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन साइन 90 का मान 1 होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखिए तो यहाँ पे कॉस 90 दिया गया है। तो दोस्तों कॉस 90 का मान कितना होता है, और यहाँ पे दिया है कॉस 0 का मान, तो कॉस 0 का मान यहाँ पे 1 होता है, कॉस 90 का मान यहाँ पे 0 होता है, और टेन 90 का जो मान है वो अपरिभाषित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कॉस 90 डिग्री। अगला सवाल क्वेश्चन चार में बोला गया है कि टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है। आप सभी को बता दें कि टेन 45 डिग्री का मान पूछा जाए या कॉट 45 डिग्री का मान पूछा जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब एक हो जाता है, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान भी एक होता है और साथ ही कॉट 45 डिग्री का मान भी एक हो जाता है। वहीं पे साइन 45 डिग्री का मान की बात करें तो 1/√2 हो जाता है, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। वहीं पे सेक 45 डिग्री का मान की बात करें तो √2 होता है, और कॉसेक 45 डिग्री का मान भी √2 होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन पाँच को देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पाँच कहता है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों साइन 30 डिग्री का जो मान है ना वो 1/2 होता है, वहीं पे कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 किसका मान होगा, तो आप बोलेंगे कि सर साइन 30 डिग्री का होगा, और इसके साथ साथ कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि टेन 60 डिग्री का मान होता है। तो दोस्तों टेन में 60 डिग्री का मान √3 होता है, वहीं पे कॉट में 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो टेन 60 डिग्री का मान पूछा जाए तो √3 होगा, और कॉट 30 डिग्री का मान पूछा जाए तो वैसे स्थिति में भी √3 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 में बोला गया है कि कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे कॉट 60 डिग्री का मान पूछा गया है, तो जो आपका टेन में 30 डिग्री का जो मान होता है वही मान आपका कॉट में 60 डिग्री का मान हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि सर टेन में जब 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो जाहिर सी बात है कॉट में 60 डिग्री का मान भी कितना होगा, तो सर 1/√3 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 1/√3। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 8 को देखिए, क्वेश्चन 8 कहता है कि कॉसेक 45 डिग्री का मान
क्या होता है? दोस्तों कौशिक 45 डिग्री की मान की बात करें या शेख 45 डिग्री की मान की बात करें, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब रूट अंडर दो होता है, यानी शेख 45 डिग्री का मान भी रूट अंडर दो होता है, वहीं पे कौशिक 45 डिग्री का मान भी रूट अंडर दो ही होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 में बोला गया है कि टेन पाई बटा दो का मान क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टेन को सेम टू सेम लिखेंगे, पाई के बदले में हमें लिखना होगा 180 डिग्री बटा दो कर दीजिएगा। इसी आसान तरीके से आप 90 मरतबे कटा सकते हैं। उसके बाद में ये बन जाएगा टेन 90 डिग्री। आप सभी को बता दें साइन कॉस टेन, टेन में जो 90 डिग्री का मान होते हैं ना वो अपरिभाषित होते हैं, और कॉट 0 डिग्री का मान भी होते हैं अपरिभाषित। तो अपरिभाषित यानी नॉट डिफाइन ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित, जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए। क्वेश्चन 10 में बोला गया है कि साइन पाई बटा 3 का मान क्या होता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा हम लोग क्या करेंगे कि साइन को सेम टू सेम लिख देंगे और पाई के बदले में हमें 180 लिखना होगा, बटा 3 कर देंगे। इसी हम लोग आसान तरीके से 60 मरतबे कटा सकते हैं। तो इसी हमें एक चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी, साइन 60 डिग्री। अब हमें ऑप्शनों के माध्यम से ये जांचना होगा कि दोस्तों साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। दोस्तों हमेशा के लिए जान ही जाइए कि साइन 60 डिग्री का मान रूट अंडर 3 बटा 2 होता है, वहीं पे कॉस में 30 डिग्री का मान रूट अंडर 3 बटा 2 होता है। तो फिलहाल यहाँ पे तो कॉस आया नहीं है, यहाँ पे आया है साइन, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रूट अंडर 3 बटा 2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि कॉस पाई बटा 3 का मान क्या होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस को सेम टू सेम लिखेंगे, पाई के जगह पे लिख देंगे 180 बटा 3 कर देंगे। ये कट जाएगा 3 6 18 60 मरतबे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। आप सभी को बता दें कि कॉस में 60 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है, वहीं पे साइन में 30 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1 बटा 2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 कहता है कि यदि 2 साइन ए बराबर रूट अंडर 3 हो तो ए का मान क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन ए बराबर रूट अंडर 3 लिख देंगे। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, 2 यहाँ पे गुना में था, बराबर की तरह आकर ये मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था, बराबर की तरह आकर ये डिवाइड यानी भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा कि दोस्तों साइन ए में कितने डी का मान रूट अंडर 3 बटा 2 होता है। तो पिछले वाले तमाम क्वेश्चनों के माध्यम से मान सारणी यहाँ तक तो बहुत ही आसानी तरीके से समझ ही गए होंगे, और जितने भी चीज चाहते हैं कि मान सारणी याद करने का आसान सा ट्रिक का वीडियो लाया जाए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप तमाम छात्र छात्राओं का कमेंट आएगा कि सर मान सारणी को आसानी तरीके से कैसे याद करें, इस पर वीडियो लाया जाए, तो हम आप सभी को मात्र 5 मिनट का वीडियो में ही मान सारणी से रिलेटेड त्रिकोणमिति के तमाम फार्मूला को याद करने का आसान तरीका वाला एक वीडियो लेक्चर ला देंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि दोस्तों साइन ए में कितने डिग्री का मान रूट अंडर 3 बटा 2 होता है। तो दोस्तों साइन में 60 डिग्री, वहीं पे कॉस में 30 डिग्री का मान रूट अंडर 3 बटा 2 होता है। तो यहाँ पे कॉस तो आया नहीं है, यहाँ पे साइन, और साइन में होते हैं 60 डिग्री का मान रूट अंडर 3 बटा 2। अतः हम कह सकते हैं दिए गए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 60 डिग्री। अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 13 कहता है कि यदि रूट अंडर 3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 2, आइए लिख लेते हैं कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। रूट अंडर 3 यहाँ पे गुना में दिया गया है तो ये भाग में चल जाएगा रूट अंडर 3। दोस्तों पहले होते हैं साइन कॉस टैन सेक कोसेक, तो यहाँ पे सेक में 30 डिग्री का मान 2 बटा रूट अंडर 3 होता है, वहीं पे कोसेक में 60 डिग्री का मान 2 बटा रूट अंडर 3 होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 60 डिग्री। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 14 कह रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले थीटा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री को सेम टू सेम उतार दीजिए। अब यहाँ पे 3 गुना में था, बराबर के दरा कर ये भाग में हो जाएगा। इसे आसान तरीके से हम लोग 30 90 30 मरतबे कटा सकते हैं, यानी थीटा का मान हमारा 30 डिग्री आ गया है। अब हमें चाहिए कॉस थीटा का मान, यानी कॉस और थीटा के जगह पे हम लोग 30 डिग्री लिख सकते हैं। आप तमाम छात्रों को बता दें कि कॉस में 30 डिग्री का मान रूट अंडर 3 बटा 2 होता है,
वहीं पे साइन में सा डी का मान रूट अंडर 3/2 होता है। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन 14 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, रूट अंडर 3/2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 15 कहता है कि यदि टेन थीटा बराबर रूट अंडर 3 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। यानी आपसे सवाल ये पूछा गया है कि टेन में कितना डी का मान रूट अंडर 3 होता है। आप तमाम छात्रों को पिछले वाले तमाम क्वेश्चनों के माध्यम से याद हो ही गया होगा कि टेन में 60 डी का जो मान होते हैं ना वो रूट अंडर 3 होते हैं। वहीं पे कॉट में 30 डी का मान रूट अंडर 3 होते हैं। तो कॉट का मान तो आया नहीं है, यहाँ पे बात की जा रही है टेन में, तो टेन में 60 डी का मान रूट अंडर 3 हो जाएगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 16 कहता है कि यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि कॉट स्क्वायर थीटा के बदले में केवल कॉट थीटा बराबर 3 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर हटने के बाद ये रूट आ जाएगा, यानी 3 पे रूट हो जाएगा। और आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि रूट अंडर 3 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। यदि ज़बरदस्ती हम लोग वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो इसका मान 1.732 आता है। तो यहाँ पे रूट अंडर 3 ये किसका मान हो जाएगा, कितने डी का मान कॉट में रूट अंडर 3 होता है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दिए हैं कि कॉट में 30 डिग्री और टेन में 60 डी का मान रूट अंडर 3 होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 डिग्री। इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 17 कहता है कि यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 को सेम टू सेम उतारना होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 लिख दीजिए। 4 यहाँ पे गुना में है तो ये 4 भाग में आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि साइन को साइन लिखिएगा और 3/4 यहाँ पे दिया गया है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा के बदले में यदि आप साइन थीटा लिखते हैं तो स्क्वायर के बदले में आप आसानी तरीके से 3/4 पे रूट चढ़ा सकते हैं। तो रूट अंडर 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो रूट अंडर 3 को सेम टू सेम लिख दीजिए। और 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो इसके बदले में आप 2 लिखेंगे। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि दी गए प्रश्नों को सॉल्व करने पे साइन थीटा का जो मान आ रहा है वो रूट अंडर 3/2 आ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे ऑप्शनों के माध्यम से ये चूज करना होगा कि साइन में कितनी डिग्री का मान रूट अंडर 3/2 होता है। तो है दोस्तों साइन में 60 डी का मान रूट अंडर 3/2 होता है। तो 60 डिग्री ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी 60 डिग्री। अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 18 कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। यदि साइन थीटा का मान 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो यानी आपसे सवाल ये पूछा गया है कि साइन में यह हम कितना डी का जो मान होता है वो 1/2 होता है। आप तमाम छात्रों को हम बता दिए हैं कि साइन में 30 डिग्री और कॉस में 60 डी का मान 1/2 होता है। तो बोला गया है साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान कितना डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है। दोस्तों टेन 60 का डिग्री जो मान होता है ना वो रूट अंडर 3 होता है, लेकिन बोला गया टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री के मान में हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा तो केवल 3 बचेगा। और केवल 3 आपका ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन 20 कहता है यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3 हो तो 3 टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो आप तमाम छात्र छात्राएं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा बराबर 3 था ना, सेम टू सेम लिखिए, कॉस थीटा बराबर 3 लिख दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 3 लिख दीजिएगा, 5 गुना में था तो यहाँ पे आपका भाग में हो जाएगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला ये होते हैं क्या चीज़, तो b/h होते हैं। यहाँ पे p का मान नहीं है। दोस्तों p ज्ञात करना आसान होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए। एच का मान 5 है, 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाता है, 25 में से 9 घटा लीजिए 16 हो जाएगा। दोस्तों 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो आपसे बोला गया है कि 3 टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी 3 गुने टेन थीटा का फॉर्मूला p/b होता है। तो आप p/b लिखेंगे, यानी हम करेंगे 3 गुने p का मान। तो दोस्तों p का मान हम लोग 4 ज्ञात किए हैं तो 4 लिख देंगे, और b का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद था 3, तो हम लोग 3 लिखेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि 3 से 3 को आसानी तरीके से हम लोग कटा सकते हैं और प्राप्त जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। काफ़ी सिंपल था। हमने क्या किया कि cos थीटा बराबर 3 को सेम टू सेम लिखा,
पाँच यहाँ पे गुना में था, उसे हम लोग भाग में कर दिए हैं। इससे हमें कॉस थीटा में बी बटा एच फार्मूला होता है, यानी आधार बटा कर्ण होते हैं। तो यहाँ पे लंब नहीं था, लंब का मतलब परपेंडिकुलर पी नहीं था, तो पी का मान ज्ञात कर लिए हैं। पी का मान ज्ञात करने के लिए आसान फार्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का मान पाँच था, तो पाँच का स्क्वायर किए 25 हो गया है, और यहाँ पे बी यानी आधार का मान तीन था, तो तीन का स्क्वायर कितना हो गया है, 25 में से 9 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 होता है। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया था कि तीन टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी 3 × 10θ का मतलब क्या चीज़, तो पी बटा बी। पी का मान हम लोग यहाँ पे 4 ज्ञात किए हैं, तो 4 लिख देंगे। बी का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में 3 था, तो हम लोग 3 लिख दिए हैं। 3 से 3 कटाने के बाद प्राप्त संख्या 4 आने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 4। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 21 कहता है कि साइन पाई बटा 4 माइनस कॉस पाई बटा 4 का मान क्या होगा। यहाँ पे आप तमाम छात्र छात्राएं क्या करेंगे कि साइन पाई की जगह पे आपको 180 लिखना होगा, बटा 4 कर दीजिए, फिर माइनस, उसके बाद में कॉस को सेम टू सेम लिखिएगा, पाई के बदले में फिर लिखना होगा 180 बटा 4 कर दीजिएगा। तो ये आप कटाएंगे कैसे, तो ये 45 शब्द का 180 होते हैं, ये भी 45 शब्द का 180 हो जाते हैं। उसके बाद में ज़रा ध्यान दीजिएगा, साइन 45 का जो मान हो जाएगा ना, वो 1√2 हो जाएगा, फिर माइनस कॉस 45 का मान भी दोस्तों 1√2 होता है। यदि इसे आप बट्टा का घटाव बना देते हैं तो भी जीरो आंसर आ जाएगा, या प्लस माइनस को कटा दीजिएगा तो भी जीरो आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दी गए सवालों का जो मान हो जाएगा वो जीरो होगा, यानी आपका ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में बोला गया है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। आसान भाषा में कहें तो ये क्वेश्चन आपसे ये जानना चाह रहा है कि थीटा का मान हम कितने डिग्री रख देंगे कि साइन का मान और कॉस का मान बराबर हो जाएगा। यदि हम 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 का मान तो 0 हो जाता है, लेकिन कॉस 0 का मान यहाँ पे 0 नहीं होता है। अगर 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान 3/2 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 60 डिग्री रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान 3/2 होगा, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, जो कि बराबर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी में दिया गया 45 डिग्री, यदि थीटा का मान दो जगह 45 रख देते हैं तो साइन 45 का मान भी 1√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी 1√2 होता है। तो जब यहाँ पे दोनों में थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे तभी इसका मान बराबर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि इसका मान हमेशा थीटा का मान 45 डिग्री होगा, तभी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। अगला सवाल बोला गया है कि साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है, यानी साइन थीटा का कम से कम जो मान होता है ना वो 1 होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 1। अगला सवाल है कि किसका मान सबसे छोटा होता है। तो पहला जो ऑप्शन है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान बोला गया है तो 1√2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान पूछा गया तो कॉस 60 डिग्री का मान भी, यहाँ पे कॉस 30 डिग्री बोला गया था, ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान पूछा गया 1/2, और कॉस 90 का मान पूछा गया है तो ये 1 होता है। तो इसमें सबसे छोटा जो मान है ना वो कौन है, तो यहाँ पे सभी छोटा है, यहाँ पे किसका मान सबसे छोटा है। तो आप तमाम ऑप्शन का मान दे दिए हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर इसका बता सकते हैं कि किसका मान सबसे छोटा होगा। अगला सवाल है, यदि 2 cos 3θ बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र छात्राएं सोच रहे होंगे कि अरे यार ये कैसा सवाल आ गया है, ऐसा ऐसा सवाल एग्जाम में पूछेगा ना, तो जाहिर सी बात है हमारा दिमाग चक्कर के जैसा काटने रहेगा और हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे भाई, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे कि दिया गया कि cos 3θ बराबर 1 दिया गया, तो सेम टू सेम उतार दीजिए। 2 यहाँ पे जो छोड़े थे ना, ये आपका गुणा में था, बराबर की तरफ जब जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि cos 3θ बराबर 1/2 हो गया है। तो आप यहाँ पे करेंगे कि cos 3θ बराबर, अब कॉस में 1/2 किसका मान होते हैं, तो 60 डिग्री का होते हैं, यहाँ पे 60 डिग्री लिख दीजिए। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे तो cos 3θ है, तो cos 3θ को केवल cos θ लिख दीजिए, 3 यहाँ पे आपका गुणा में था, 60 को सेम टू सेम लिखिए। जब यहाँ से 3 को हटा दीजिएगा जो आपका गुणा में था, तो बराबर की तरह आने पर जाहिर सी बातें भाग में हो जाएगा, और इसे आसान तरीके से कटा देगा 20 × 60। जैसे कटाइएगा ना तो आपको प्राप्त होगा cos θ बराबर 20 डिग्री,
और कॉस थीटा बराबर 20 डिग्री ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 20 डिग्री। अगला सवाल क्वेश्चन 26 में बोला गया है कि यदि सेक ए बराबर 5/3 हो तो टेन ए का मान ज्ञात करें। ऐसे सवालों को सॉल्व करना काफ़ी सिंपल होता है। देखिए टेन ए का मान पूछा गया तो टेन में होता है टी बटा बी, जिसे हम लोग कहते हैं लंब बटा आधार, और सेक में होता है एच बटा बी। तो बी का मान यहाँ पे ऑलरेडी 3 मिल जाएगा, लेकिन हमें चाहिए पी का मान, और ये दे रखा है एच का मान। पी का मान ज्ञात करने के लिए आसान फार्मूला होता है, देख लीजिए। पी ज्ञात करने के आसान फार्मूला होता है दोस्तों, एच स्क्वायर माइनस होते हैं बी स्क्वायर। एच का मान क्वेश्चन में कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 5 × 25 हो जाएगा। बी का मान 3 है तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटा लीजिए 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो पी की जगह पैसा तरीके से 4 बैठा दीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 4/3 आएगा। 4/3 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल बोला गया कि टेन थीटा बराबर 5/12 हो तो देखिए टेन में जैसे आएगा ना, तो समझिए पी बटा भी होता है टेन का। अब साइन का पूछा गया तो साइन में पी बटा एच होगा, तो पी का मान वही रहेगा 5 वाला। एच ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर कर दीजिए 144 जाएगा, 5 का स्क्वायर कीजिए 25 जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना 13, तो एक जगह पे 13 बैठा दीजिए, यानी 5/13 इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा, यानी आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए साइन में आपका फॉर्मूला जो कहता है पी बटा एच होता है, बी का मान नहीं रहता है, और कॉस का ज्ञात करना तो कॉस का बी बटा एच होता है। बी ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर होते हैं, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 × 25 जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 25 में से 9 घटा लीजिए 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो बी की जगह पे 4 लिख दीजिएगा। एच का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में 5 था, तो क्वेश्चन का सही जवाब 4/5 आएगा। 4/5 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसी प्रकार से बोला गया साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए का मतलब बी बटा एच ज्ञात करना है, और यहाँ पे पी बटा एच दे रखा है। बी ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, 4 × 3 = 3, तो 4 × 3 = 16, और 3 × 3 = 9, 16 में से 9 घटाते हैं तो √7 बचता है, तो बी की जगह पे √7 लिख दीजिएगा। एच का मान ऑलरेडी 4 दे रखा था, तो आप यहाँ पे 4 लिख दीजिएगा, यानी √7/4 इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा, और √7/4 ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल प्रश्न 30 कहता है कि यदि कॉस ए बराबर 3/5 हो तो टेन ए का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे टेन ए बुलाया गया है तो इसका फॉर्मूला पी बटा बी होता है, और कॉस में तो आप सभी को मालूम होगा कि बी बटा एच होता है। हमें चाहिए पी का मान। पी ज्ञात करने के लिए आसान फॉर्मूला पी एस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 × 25 होगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 होगा, घटाने के बाद 16, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो पी का मान हमारा 4 आ गया है। बी का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में 3 था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 4/3 आएगा। 4/3 ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, 4/3। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो सीरीज में मात्र आप सब तमाम छात्रों को 1 से लेकर 30 तक के ही ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन कर पाया हूँ। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन 30 से लेकर पूरे क्वेश्चन 60 तक के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछे गए हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप तमाम छात्रों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे तमाम नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो जितने भी नए वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आप तमाम छात्रों को नहीं मिल पाएगा, और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले नहीं देख पाइएगा। इसलिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो हे दोस्तों, मैं मुकमन सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।